सरकारी कार्यालयों में कामकाज का ढर्रा बदलने वाला है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने इसके लिए आकस्मिक निरीक्षण को लेकर नीतिगत फेरबदल किया है। इसके तहत संपर्क पोर्टल में दर्ज शिकायतों के निस्तारण का भी प्रमुख मापदंड रखा गया है। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम दौरा करती है। ये दौरा आमतौर पर रूटीन होता है। अक्सर विभाग दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई से बचते हैं। इसी के मद्देनजर प्रशासनिक सुधार विभाग ने आकस्मिक निरीक्षण को लेकर नया नीतिगत बदलाव किया है, जिसमें अब विभाग की टीम संपर्क पोर्टल की शिकायत और उसके निस्तारण का मिलान करते हुए गुणवत्ता के अंक संबंधित विभाग को देगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव रविशंकर श्रीवास्तव का कहना है कि संपर्क पोर्टल पर 20,000 शिकायतें मिलती हैं, लेकिन इनके निस्तारण में विभागों की उदासीनता देखी गई है। इस संबंध में हम एक गाइडलाइंस तैयार कर रहे हैं। अभी 2-3 विशेष मुद्दों पर हमने ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। एक तो हमारा संपर्क पोर्टल है, जिसपे करीब 20,000 शिकायतें हमें नित्य प्राप्त होती हैं। तो अभी हम ये सोच रहे हैं कि जब भी इंस्पेक्शन टीम्स विभिन्न विभागों में अथवा जेलों में जब दौरे पर जाती हैं और इंस्पेक्शन करती हैं, तो ये जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उनके निस्तारण में डिपार्टमेंटल फंक्शनिंग क्या रही है, किस तरह का स्टेप्स उन्होंने लिया है, जो सूचना वो हमें पोर्टल पे देते हैं उसका एक वेरिफिकेशन करें और मिलान करें और देखें कि उनमें कोई अंतर तो नहीं है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने सभी विभागों के सचिवों को पत्र लिखा है। इसके तहत उन्होंने विभाग अधिकारी या उससे ऊपर के लेवल के अधिकारी को निरीक्षण के दौरान भेजने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है, जिससे प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम को निरीक्षण के दौरान उनके अनुभव का भी लाभ मिलेगा। अब प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम दौरे के दौरान 3 से लेकर 7 दिन तक क्षेत्र में रहेगी और सरकारी कार्यालयों के कामकाज की पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी। हमने ये भी करा है कि सभी डिपार्टमेंट्स को हमने कहा है कि एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करें, जो जिस समय हम इंस्पेक्शन पे किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर जिले में जा रहे होंगे, वो नोडल ऑफिसर भी इंस्पेक्शन टीम के साथ जाएगा। और यदि मीडिया के लोग हमारे इंस्पेक्शन टीम्स के साथ जाना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है, क्योंकि हमारा मुख्य पर्पज़ ये है इंस्पेक्शन का, डिपार्टमेंट्स को उनकी वर्किंग में यदि कोई खामियां हैं तो डिपार्टमेंटल हेड और डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज के सामने उनको रखा जाए ताकि वे करेक्टिव स्टेप्स ले सकें। दरअसल ये कदम प्रशासनिक सुधार विभाग की दक्षता में बढ़ोतरी से जुड़े कदम की अगली कड़ी है। इसके जरिए कर्मचारियों की महज उपस्थिति चेकिंग से आगे उनके पूरे कामकाज की गुणवत्ता की भी जाँच होगी। ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।